हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुनीश वर्धन। सो हम हैं अलवादी होटल सोहार में। काफी बढ़िया होटल है, जैसे देख सकते हो आप। क्यूटी भाई सा रूम है। मैं जैसा अभी फ्रेश हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो हर ब्लॉग में कहता हूँ कि हम घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो फाइनली हम आज घूमने आए हैं। तो लाइटिंग बहुत प्यारी है इस रूम की ना, मैं आपको बताता हूँ पूरा रूम कैसा है। ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस करते ही हमें राइट साइड पे वॉशरूम दिखता है। बहुत ही क्यूटी भाई सा वॉशरूम है, टब भी है इसमें। एंड ये हमारे अलमीरा कपड़े वगैरह रखने के लिए, तीन अलमीरा दी गई है। प्रेस भी है भाई, कपड़े प्रेस करने हो आपने। सो हैंगर भी है। सो अभी हम एंटर कर रहे हैं अपने रूम में। तो सबसे पहले ये बेडिंग सीनरी लगी हुई है ओमान की, हेल्प के लिए टेलीफोन, और ये प्यारी सी वॉल। अच्छा है, छोटा रूम बट क्यूटी पाइस है। ये मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है। एंड ये बेड हमारे क्यूटी पाइस से, और ये हमारा टीवी, और ये हमारी चाय जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ये हमारी चाय, एंड ये मैं हूँ, ऑफ कोर्स मैं आई हूँ। सो ये हमारा सामान बिखरा हुआ। सो इतने से रूम है। रेंट में आपको वीडियो के बाद बताता हूँ कितना रेंट है इस रूम का। अपने स्टाफ के साथ आउटिंग पे, तो बाहर स्विमिंग पूल भी है, तो मुझे फोन कर रहे कि स्विमिंग पूल के पास आ जा, तो मैं आपको बाहर का बताता हूँ होटल का व्यू। सो ये रूम के बाहर का व्यू, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ लाइट हो रही, ऑन हो रही है ऑटोमेटिक। सो आपको स्विमिंग पूल पे लेके जाता हूँ अभी। सो ये क्यूटी पाइसा पार्क। सो ये हमारा पूल होटल का। मैं अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा पूल में। सो हम लेते हैं सनरूफ का नजारा। काफी ग्लो आया मेरे फेस पे होटल आने के बाद, जस्ट जॉकिंग। काफी ग्रीनरी है इस होटल में, काफी बढ़िया होटल है अलवादी होटल सोहार में। क्या नज़ारा है, वाह! आज वैसे भी बारिश वाला मौसम है हमारे ओमान में, तो हम बारिश वाले मौसम में घूमने आए हैं बाहर। सो अगर आपने ओमान कंट्री का प्लान किया घूमने का मस्कट में, तो मस्कट में ही सोहार में भी काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। मस्कट एयरपोर्ट से जो सोहार सिटी है वो 258 किलोमीटर है। तो अगर बेस्ट होटल की बात करूँ, होटल रेडिसन भी वैसे बहुत बढ़िया, बट अगर अपने बजट में जाना है तो ये होटल अलवादी सोहार के पास ही है, सेंटर सिटी मॉल के। तो इससे जस्ट 2 किलोमीटर पर ही आपको सोहार फोर्ट मिल जाएगा, सोहार बीच मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, पार्क बनाया हुआ है, पीछे फोर्ट जैसी बिल्डिंग बनाई हुई है, और ये आपका स्विमिंग पूल क्यूटी पाइसा। तो होटल भी मैंने अंदर से आपको बताया है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपने स्टे करना है, अपने बजट में घूमने का प्लान है मस्कट में, तो आप सोहार में आ सकते हो, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो जर्नी अपनी। तो स्विमिंग पूल के साइड में कर ली है मस्ती, तो अभी हम जा रहे हैं रूम के अंदर, अभी हम करेंगे कॉफ़ी इंजॉय। एंड मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा स्विमिंग पूल में आऊँगा नाइट में यहाँ पे, फिर शाम को हमने खाने पे भी जाना है, डिनर भी बाहर करना है। तो हम जा रहे हैं अभी रूम में।
और जब मैं चलते हूँ हमारा ही घर। सो अभी हम आ चुके हैं रूम के अंदर। सो अभी डिनर का प्लान आज का ये है कि यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है सोहार में, वैसे तारीफ पड़ता है इसके साथ ही, सेंट्रल सिटी मॉल के साथ ही है एक। तो मैंने आपको होटल का रेंट बताना था। अगर आप इंडिया से विजिट कर रहे हो यहाँ ओमान कंट्री में, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इंडिया से ही बुक करें। अगर आप ओमान भी आ गए हो, अगर आपने कोई होटल बुक करना है तो आप इंडियन करेंसी में ही उसको बुक करें, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ता है। तो हमने ये होटल है बढ़िया सा क्यूटी पैसा होटल है, ये हमने सिर्फ 3,000 में पर रूम बुक किया है। तो अगर वही आप ओमानी रियाल की बात करो तो आपको 5 रियाल मीन्स कि आपको 1,000-1,500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो हमने सिर्फ 15 रियाल में, मतलब कि 3,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से हमने पर रूम बुक किया है। तो हमने टोटल 2 रूम बुक किए हैं, 2 रूममेट मेरे साथ होंगे इधर, 2 दूसरे रूम में होंगे। तो यही एडवाइस है कि इंडिया की करेंसी में ही आप होटल बुक करें तो आपको सस्ते मिलेंगे। तो अभी हम जाएंगे डिनर में। सो फ्रेंड्स, अभी हमने एक रेस्टोरेंट फाइंड आउट किया है, इंडियन हाउस रेस्टोरेंट, ये सेंट्रल सिटी मॉल के जस्ट पास में सोहार तारीफ में। तो चलिए फिर करते हैं टेस्ट इनका खाना, देखते हैं कैसा है। फर्स्ट टाइम आया हूं इस रेस्टोरेंट में। सो ये इनका सिटिंग प्लान है, इंटीरियर तंदूरी नान है। हाँ, तंदूरी नान चाहिए मुझे। रोटी नहीं होगा, डिनर हमने कर लिया है। हमने ऑर्डर किया था चिकन चिल्ली एंड बटर चिकन और एक स्पेशल चिकन ऑफ एल का हर डे, तो साथ में नान एंड तंदूरी रोटी। तो काफ़ी डिलीशियस रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, ये टैरिफ में सेंट्रल सिटी मॉल के पास ही है, तो बढ़िया रेस्टोरेंट है। सो लास्ट में हमने ऑर्डर किया है गर्मा गर्म गुलाब जामुन, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। सो ये है सवारी मॉल है यहाँ पे सोहार में, एंड मैकडी और रोज कैफे। बट इंडिया के मुकाबले बोलो तो यहाँ पे कॉस्टली है थोड़ा। आपको मिनिमम बर्गर मिलेगा 200 रुपये का, वेज बर्गर। सो अभी हम आ गए हैं अपने होटल वापस, अल बदी होटल में। अल बदी होटल सोहार। ये बाहर का व्यू है अल बदी होटल का। काफी इनके पास स्पेस है। ओमान में ये कि कोई भी होटल है, कोई भी बिल्डिंग है, तो स्पेस काफी होता है उनके पास, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा कम है और इनकी बिल्डिंग्स छोटी रहती हैं और पार्किंग एरिया बहुत बढ़िया रहता है। तो वो सामने बार है जो आपको ब्लू लाइट दिख रही है। तो ये सामने हमारे रूम पार्किंग एरिया। महंगी महंगी गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ियां। सो हम जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। यहाँ पे GMC की गाड़ियां बहुत ज्यादा है। आपको एक लैंड क्रूजर बहुत दिखेगी, क्रेटा, डस्टर और मैक्सिमम GMC की गाड़ियां, ये वाली गाड़ी, इसका बम्पर ही कितना बड़ा है। सो हम पहुंच चुके हैं अपने रूम के पास। ये छोटी सी एंट्रेंस है इनकी, क्यूटी पाई सी। होटल इतना बड़ा नहीं है, बट बहुत ही इन्होंने सजाया हुआ है। तो हम खाना खा के आए हैं, थोड़ी वॉक भी हो गई है, अब हम थोड़ा स्विमिंग पूल के किनारे बैठेंगे, डायरेक्ट रूम में नहीं जाना, थोड़ा बाहर का एरिया देखते हैं। इनका सिटिंग एरिया। सो वापिस हम आ गए हैं वही अपने स्विमिंग पूल के पास। तो आ जाके आपको पूल ही दिख रहा है होटल के अंदर, यहाँ आके थोड़ी शांति मिल रही है हमें। सो फ्रेंड्स, यही था फिर आज का ब्लॉग। आज हमने की है होटल में बहुत सारी मस्ती, अब मॉर्निंग टाइम करेंगे स्विमिंग, फिर हम चले जाएंगे अपने वापस रूम में।
तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक देखते रहिए मुनीश बर्धन के आने वाले ब्लॉग। सी यू सून।